सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द जीपी जोन। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के बारे में कि बिहार 2021 में कितना से कितना रैंक रहने पर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर रैंक वाले को। तो यूआर रैंक में जिनका 15 से लेकर 392 के बीच में रहा है, ये है सबसे पहले बता दूं गाइस, ये कैटेगरी और ये है यूआर ओपनिंग रैंक, यानी कि ऑन रिजर्व ओपनिंग रैंक, और ये है ऑन रिजर्व क्लोजिंग रैंक, और ये है कैटेगरी ओपनिंग रैंक, और ये है कैटेगरी क्लोजिंग रैंक। तो आज के वीडियो में हम चलिए इसको कैटेगरी वाइज समझा देते हैं आपको। तो सबसे पहले यूआर रैंक की बात करते हैं। तो यूआर रैंक में 15 से लेकर 392 के बीच में जिनका था उनका मिल गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 751 से लेके 751 और उनका ये यूआर रैंक है 751 ओपनिंग रैंक और 751 क्लोजिंग रैंक। और उनका कैटेगरी में 4 से लेकर 4 के बीच रहा है तो उनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम एसटी वाले को। तो एसटी में 692 से लेकर 2435 के बीच में जिनका यूआर रैंक रहा है तो उनको मिल गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। यूआर रैंक में इतना से इतना के बीच में है तो उनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गया है यूआर रैंक से अगर मिला होगा तो। अगर उनका कैटेगरी से मिला होगा तो 34 से लेकर 142 के बीच में जिनका रहा होगा उनको पटना 13 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गया है। तो इसके आगे बात करते हैं हम बीसी वाले को। तो बीसी में जिनका 238 से लेकर 444 और उनका कैटेगरी में 109 से लेकर 215 के बीच है उनका मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और ये गाइस 2020 का डाटा है और ये भी सेम इतना ही रहेगा 2021 में भी। 2021 में इतना पर ही आपका मिलेगा ऑलमोस्ट। तो आप इतना से इतना के बीच में लाने की कोशिश कीजिएगा, इतना से इतना के बीच में आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में मिल गया है, मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवीसी वाले को। तो ईवीसी में जिनका 220 से लेकर 619 था वो यूआर रैंक और क्लोजिंग रैंक का बात कर रहा हूँ, 220 से लेकर 619 के बीच में जिनका था और उनका कैटेगरी रैंक 61 से लेकर 169 के बीच में था उनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल गया है पटना 13 में। और नीचे बात करते हैं हम आरसीजी मानी गर्ल्स को। गर्ल्स में जिनका यूआर रैंक 400 से लेकर 628 के बीच था उनका मिल गया है, ये यूआर रैंक से मिला होगा तो 400 से लेकर 628 के बीच में जिनका होगा उनको मिल गया होगा। और कैटेगरी रैंक का बात करूँ तो कैटेगरी में 19 से लेकर 41 के बीच में जिनका था उनको मिल गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच। और नीचे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले को। ईडब्ल्यूएस जो कि जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं, जनरल में है तो उनका हम बात कर लेते हैं। तो जनरल में न्याय जो लागू हुआ है ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस इनको कितना से कितना तक मिला है तो 352 से लेकर 843 के बीच ये यूआर रैंक है, 652 से लेकर 843 के बीच जिनका रहा होगा उनका मिल गया है। और उनका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 36 से लेकर 61 के बीच में रहा है तो मिल गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच पटना 13 में। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में 352 से लेकर 843 के बीच अगर इनका यूआर रैंक से मिला होगा तो 352 से लेकर 843 के बीच में रहा होगा तो मिल गया होगा। और उनका ईडब्ल्यूएस में 36 से लेकर 61 के बीच में रहा होगा तो मिल गया होगा। तो गाइस आज के वीडियो में आप लोग जाने कि कैटेगरी में कितना से कितना रैंक तक मिला है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पटना 13 में कितना से कितना रैंक तक मैकेनिकल ब्रांच मिला है। और उसके बाद पटना 7 की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरपुर के। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लाते रहूँगा। और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि आपके कौन से कॉलेज का डाटा चाहिए कि कितना से कितना रैंक तक मिला है सीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।